आज तक आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल का उपयोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया जाता है या शासकीय आयोजन होते हैं इसलिए होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शनि मंदिर क्षेत्र में भारत मैदान की मेन हिंदी प्राथमिक शाला के एक कमरे में पशुओं का चारा भर कर रखा हुआ है और यहाँ पर पशु भी आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पूरी घटना से बेखबर है। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक कमरे में चारा भरा हुआ है और बाहर से उस कमरे पर ताला लगा हुआ है और परिसर में पशु बैठे हुए हैं। जब लोकल 18 की टीम ने शाला प्रभारी सबीना सूलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कक्षा पहली से पांचवी तक स्कूल संचालित हो रही है। सभी कमरे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज होते हैं। एक कमरे में टूटी फूटी वस्तुएं रखी हुई है और एक कमरे में यहाँ पर पशुओं का चारा रखा हुआ है। जब उनसे बात की तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि यह मैं दिखवाती हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं है। कितनी कक्षा तक विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ पे? ये एक से पांच तक के बच्चे यहाँ पे एक शालक परिसर के तहत इधर भारत मैदान में एक से पांच तक की स्कूल लगती है और सभी कमरे संचालित होते हैं। आखिरी वाला कमरा थोड़ा टूटा है तो उसमें हमारा जैसे सामान रखा हुआ है। मैडम यहाँ देखा गया एक कमरे के अंदर गाय का चारा भरा हुआ है, उसमें बाहर से ताला लगा हुआ है, चाबी भी नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है ऐसा? नहीं, चारा वारा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पर वो हमने अभी सफाई करी तो हो सकता कहीं रखा गई होगी। वो चारा किसका पड़ा हुआ है? यहाँ पर गाया भी बैठी है स्कूल परिसर में। गाया तो बैठती है, जब स्कूल लगती है तो भगाते रहते हम। और आपको जानकारी है चारा? नहीं, मुझे जानकारी कुछ नहीं है, ऐसी देखती हूँ। क्या नाम आपका? सबीना सूलिया। क्या आप यहाँ पर HM?